टिकमगढ़ शहर के एक निजी गार्डन में नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में गरबा नाइट की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इसमें लगभग 230 महिलाएं और लड़कियों को गरबा नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान गरबा नाइट कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती पूनम जायसवाल ने बताया कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा नाइट की सभी तैयारियां पूर्ण कर लेंगे। इसमें गुजरात के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर द्वारा लगभग 230 महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन शहर के सिल्वर रिसोर्ट में 1 और 2 अक्टूबर शाम 6 बजे किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। पूनम जी बताइए, जो अभी आपके गरबा का कार्यक्रम चल रहा है लगातार, अभी आप यहाँ पर बच्चों को बता रहे हैं, कितनी तारीख को ये गरबा होगा, कहाँ से होगा? जी, नवरात्रि के अवसर पर हमेशा हम लोग हमारी आयोजन समिति द्वारा गरबा का आयोजन किया जाता है, गरबा नाइट 2022। इस बार 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को हमारा ये प्रोग्राम सिल्वर स्टेट रिसोर्ट में होने जा रहा है। ये 2 दिवसीय आयोजन है। इसमें शहर के सभी माताएं, बहनें और बेटियों ने भाग लिया है। अभी हमारे पास 220 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसमें किड्स ग्रुप है, कपल ग्रुप है और स्पेशल परफॉर्मेंसेज हैं। ये हमारे इस आयोजन का आकर्षण होंगे। इसमें हमने पब्लिक के लिए, मतलब सभी के लिए, हमने लकी ड्रॉ का कूपन रखा है, हमारे कूपन के साथ अटैच है। और 2 दिन तक 10-10 लकी ड्रॉ इसमें खोले जाएंगे और हम आपके माध्यम से समस्त टीकमगढ़ वासियों को, पूरे जिले वासियों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप आएं, प्रशिक्षण भी लें और हमारे इस प्रोग्राम को देखने जरूर आएं। पूनम जी, देखने में आए सबसे पहले गरबा यहाँ पर कोई जानकारी था, लेकिन आपके माध्यम से पहला गरबा गुलाब गार्डन में कराया गया था, उसके बाद में अब इसमें सिल्वर रिसोर्ट में हो रहा है, विशेष क्या रहेगा और खास क्या रहेगा इस बार गरबा में? जी, हमने 2013 में गरबा का आयोजन यहाँ पर शहर में शुरू किया था। यह हमारा 7वां वर्ष है। इस बार भी हमारे जो कोरियोग्राफर है, सबसे बड़ी बात है हमारे कोरियोग्राफर गुजरात के हैं, वो प्रॉपर का गुजरात का गरबा यहाँ लेकर आते हैं। ये हमारे साथ उनका 3रा साल है और हर स्टेप, हर पूरी कोरियोग्राफी बहुत ही आकर्षक तरीके से सिखाई गई है। इस बार हमने बताया कि कपल ग्रुप हमारे यहाँ पहली बार, हम हमेशा कपल ग्रुप रखते हैं पर कोई एंट्रीज आती नहीं है, इतना लोगों में थोड़ा सा संकोच रहता है जोड़ों, जो पेयर्स हैं, पर इस बार हमारे यहाँ कपल ग्रुप भी है, वो हमारे यहाँ का मुख्य आकर्षण होगा। वी क्लब उन्नति की बहनों और वेस्ट फेडरेशन की बहनों द्वारा माँ दुर्गा की भव्य आरती की जाएगी, ये भी हमारे यहाँ का विशेष गरबा रहेगा। जी, हमने देहात थाना में और SDM महोदय को हमारा आवेदन दे दिया है। हर वर्ष हमारे यहाँ बहुत अच्छी टाइट सिक्योरिटी रहती है, पूरा प्रशासन बिल्कुल सक्रियता से ड्यूटी पर रहता है और प्रशासन से हमें पूरा सहयोग मिलेगा, ये शहर का आयोजन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।